धाम इन दिनों काफी चर्चा में है, क्योंकि यहां आने वाले भक्तों को शनिदेव की कृपा से और मनुभैया जी के आशीर्वाद से, उनके मंत्रोच्चारण से प्रेतादि कष्ट हो या पितरादि दोष, सबसे उन्हें राहत मिलती है। अब कई ऐसे लोग हैं जो मनुभैया की इस चिकित्सा पद्धति पर लगातार सवाल खड़े करते हैं कि भला मंत्रोच्चारण से और हवन जैसी प्रक्रिया से लोगों के रोग कैसे कष्ट होते हैं। वो लोग जो सालों से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं, सर्जरी तक करा चुके हैं, उन लोगों को भी उनकी समस्याओं से समाधान नहीं हासिल होता। लेकिन ऐसे लोग जब शनिधाम पहुंचते हैं तो यहाँ पहुंचकर उन्हें जो राहत की अनुभूति होती है वे तमाम अनुभूतियों से परे है। यहाँ पहुंचकर ना वो अपने रोगों से निजात पाते हैं, बल्कि उनकी आत्मा का संबंध परमात्मा से डायरेक्ट जुड़ता है, जिससे उनके जीवन में एक सकारात्मकता आती है और वही सकारात्मकता उन्हें हर तरह के दोष से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। आप भी देखिए कि कैसे हंसी मजाक में मनु भैया अपने मंत्रोच्चारण के जरिए यहाँ पहुंचने वाले रोगियों को निरोग करते हैं और उन्हें एक सफल और सकारात्मक जीवन प्रदान करते हैं। सीताराम फिर सीताराम के पास तू असलम के साथ कैसे चला जाएगा? जिसके जैसे भाव होते हैं मरने के बाद बोलो शनिदेव महाराज की, बोलो परम पूज्य मनु भैया जी की, बोलो परम पूज्य गुरु माता जी की, बोलो बालाजी महाराज की। माताजी कब से दर्द है तुम्हारे शरीर में? 15-16 साल हो गए। तो बालक तुम्हारी मालिश ना करें जैसे हमारे परम पूज्य मनु भैया जी कर रहे भी। हैं? सही ना करवाए? इलाज ना करवाया? सही तो इलाज कहाँ खाता तो? देख अब क्या लग रहे हैं? कहाँ? लग रही हूँ। कहाँ कहाँ करवाया बताओ? इलाज तो गुड़गांव ले गया। अच्छा। उठा पैर उठा। माता पैर उठाओ माता। देखो माता गुरुजी ने हाथ लगाया तुम्हारे पैरों को और पैर चल गए। चल गए माता। इधर देखो माता मेरे से बात करो।
हल्का हल्का हो गया, कूद के दिखा। बढ़िया हो गए। 15-16 साल में ऐसा आराम मिला पहले कभी? हैं? कितनी देर लगी परम पूज्य मनु भैया जी को हाथ लगाए हुए? कितनी देर लगी? 10 मिनट में ठीक हो गए आप? बोलो जय शनिदेव। बैठो माता। ये खड्डे में गिर जाओगी माता? नहीं, ये गई माता। माता बड़ी होशियार। माता आपके जीवन काल में 15 साल में आज ये ऐसी अनुभूति आपको हुई है, दर्द से आपका निवारण हुआ है, आप हृदय से भाव वाली बात अपने देसी अंदाज में कहिए, कैसा प्रतीत हो रहा है परम पूज्य मनु भैया जी के पास बैठकर? अच्छा, उनका भी दिन होता है, कोई ऐसा अच्छा होगा भी। कष्ट लिखे होगा वो भी तो भुगतना पड़ा है। कष्ट भी भुगतना पड़ा है। कष्ट का ही शरीर है सारा। आज जब कष्ट आपके निकल रहे हैं, आपके दर्द अगर आपको लग रहा है कि मुक्ति हो रहे हैं, तो अब हमारे देशवासियों को क्या कहेंगे? मन तो इतना परेशान बता रखी है, 15 साल दुआई ले ली, ठीक हो रही है, मनु भैया करे आप। अभी कहाँ हुई है तुम्हें? अभी कहाँ हुई है? ले अब चल के देख फिर से। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। क्या लग रहा अपना? माता कितनी मिली मजबूती? अरे माता कहाँ जा रही हैं आप? ऐसे थोड़ी होता है, पैर सही हुआ और तेज गए। माता जब आप आए थे तो मैं देख रहा था कि आप बहुत झुक के चल रहे थे, क्या चक्कर है? सीधे सीधे चल रहे हो हैं? ऐसे ही जगह छोड़ दो भाई कम से कम। अरे भैया थोड़ी जगह दे दो माता को, बड़ी मुश्किल से पैर सही हुए हैं 15 साल में, भाई चलने दो। ओ भाई हेलो, ओ भाई कान के भाई सिस्टम में ऐसे मत किया करो भाई, गुस्सा आ जाए। बताओ 15 साल में मौका मिल रहा है माता को, है माता? दर्द है कहीं? कहाँ? और अब नीचे था पैर में दर्द, वो ये सब खत्म हो गया? नीचे का दर्द खत्म हो गया?
बट फिर भी बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनो भैया जी की। माता जय शनिदेव बोलते हुए चलना है। आराम है, लग गया तुझे आज घुटना नहीं बदलेगा, दवाई लगती है।